मैं हमेशा पर्दा करके रहा करती थी। बहुत अरसा हो गया था मेरे घर वालों के अलावा किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा। रही बात मेरे घर वालों की, तो वो भी बेशक मेरा चेहरा देख सकते थे, लेकिन वो भी हद्दुल इम्कान कोशिश करते थे कि मेरी तरफ ना ही देखें तो बेहतर है। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं हर जगह पर्दा करके ही जाती थी, बल्कि यूं समझें कि मैं तो कभी कहीं गई ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो मैं अपने आप को अच्छे से ढक कर जाती। मेरे हाथ पांव भी कभी किसी ने नहीं देखे थे। मेरे वालिदैन तो दोनों ही बहुत खूबसूरत थे, हर जगह पर उनकी खूबसूरती और हुस्न की तारीफें हुआ करती थी। वालिदैन तो वालिदैन, मेरे सारे बहन भाई भी इस कदर हसीन और जमील थे कि उन पर नज़र न ठहरती थी, और उन सब को भी अपनी खूबसूरती का अच्छे से एहसास था। वो भी अपनी खूबसूरती पर खूब दाद लेते थे। एक मैं ही थी बस जो हसीन तो दूर की बात, कबूल सूरत भी ना थी। खुदा जाने मेरा रंग रूप और कद काट किस पर चला गया था। ऐसा नहीं था कि मेरा कद छोटा था, बल्कि मैं अच्छी खासी लंबी थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लंबी थी और इसके हिसाब से मेरा जिस्म मोटा भी था, तो मैं कोई एक नाजुक सी लड़की नहीं बल्कि भारी भरकम मर्द लगा करती थी। रही सही कसर मेरे नैन नक्श और रंग रूप ने पूरी कर दी थी। मैं तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मेरी तारीफ होना तो एक अलग बात है, लेकिन जो मुझे देखता वो दूसरी दफ़ा देखना भी पसंद नहीं करता। दरअसल मैं पैदाइशी तौर पर ही इसी तरह की थी, खूबसूरत नहीं थी, और फिर बचपन में मुझे एक अनोखी बीमारी हो गई। मेरे वालिदैन के मुताबिक उन्होंने मेरा अच्छा खासा इलाज करवाया, लेकिन फिर भी जो कुदरत को मंजूर था होना तो वही था। मेरे वालिदैन की लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे उस बीमारी से निजात न मिल सकी थी, और इस बीमारी के नतीजे के तौर पर मेरे चेहरे पर अजीब गरीब कस्म के दाने बनते थे, और इन ज़ख्मों की वजह से बाद में मैं छोटे छोटे से गढ़े मेरे चेहरे पर रह गए थे। मेरा चेहरा इस वक्त इंतहाई बदनुमा हो चुका था। जब मैं बहुत छोटी थी तो तब तो लोग मुझ पर तर्स खाते थे, और फिर सब की यह बातें कि देखो इसके वालिदैन कैसे खूबसूरत हैं, इसके बहन भाइयों को भी अल्लाह ने किस कदर खूबसूरती अदा की है, मगर एक ये जमीला ही ऐसी है कि बिल्कुल भी अपने नाम का इसमें अक्स दिखाई नहीं देता। खुदा जाने इसके वालिदैन ने इसका नाम जमीला यही सोच कर रखा होगा ना कि ये उनकी सबसे प्यारी बेटी होगी। लेकिन देखो ज़रा जमीला के चेहरे को, ना ही इसके बहन भाइयों और वालिदैन की इसमें छवि पड़ती है। कोई मेरी बेचारगी पर हंसता और कोई तंज कर लेता। बस इसी तरह के तानों तिश्नों में ही मैं पलकर जवान हुई थी। छोटी सी उम्र से ही मुझे इन चीज़ों से गुजरना पड़ा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हसास हो गई थी। कोई आम से अंदाज में मुझे देखता तो मुझे यही लगता जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है और मेरी शक्ल सूरत पर मुझे चिढ़ा रहा है। तो बस इसके नतीजे में मैंने तालीम को खैराबाद कह दिया था, अगरचे मेरे वालिदैन ने मुझे तालीम हासिल करने के लिए स्कूल में दाखिल करवाया था, लेकिन सातवीं क्लास से ज़्यादा मुझमें हिम्मत न रही कि मैं मज़ीद स्कूल जाऊँ और लोगों की बातें सुनूँ और अजीब अजीब नज़रों का सामना करूँ। तो फिर मैंने इसके बाद पढ़ाई ही छोड़ दी थी। अब मेरे पास सिर्फ घरेलू हुनर थे और पढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे इर्द गिर्द के लोग और मेरे घर वाले, माँ बाप, बहन भाई, सब मुझसे अपना ताल्लुक बताने से खार खाते थे। मैं उनकी खूबसूरती के चांद में बिल्कुल एक ग्रहण महसूस होती थी। उन्हें लगता था कि मेरी वजह से उनकी हद तक हो रही है, इसलिए वो मुझे ज़बान से तो नहीं कहते थे, लेकिन कहीं भी अपने साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं समझते थे। उन्हें लगता था मैं हर जगह उनके लिए नदामत और शर्मिंदगी का बायस हूँ, सो वो कोशिश करते कि मुझे कहीं भी अपने साथ न लेकर जाना पड़े, ना ही वो अपना रिश्ता लोगों के सामने मुझसे मुतारिफ करवाना पसंद करते थे। उन्होंने मुझसे कभी मुँह से तो नहीं कहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे उनका रवैया खुद ही समझ आने लगा था। जैसे मैं आपको बताया कि लोगों की अजीब व गरीब नज़रों और ज़िल्लत आमेज़ बातों की वजह से मैं बहुत छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लग गई थी और हसास हो गई थी, इसीलिए अपने घर वालों का रवैया समझना तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा था। इसमें मेरे घर वालों का इस कदर कसूर नहीं था। जब हम छोटे थे और मेरी वालिदा ने मुझे कभी उंगली से लगाया होना या कभी उनके साथ चल रही होती, तो अक्सर लोग दूर ही दूर से हमें देखकर बहुत ही तंजिया अंदाज में हंसा करते थे, और उनकी इस कदर ऊंची आवाज़ होती थी कि आसानी से मेरे और मेरे घर वालों के कानों में पड़ती थी। वो सही कह रहे होते थे कि देखो कैसी माँ है और कैसी बेटी है, माँ किस कदर हसीन और जमील है और बेटी खुदा जाने किस पर चली गई है, पता नहीं किन गुनाहों की सज़ा के तौर पर ये इनको मिली है। मेरी माँ पहले तो इन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर वो भी इंसान थी
कब तक बातों को बर्दाश्त कर सकती थी। उन्होंने बेहतर यही समझा कि वो मुझे खुद से दूर ही रखें, क्योंकि इस तरह वो भी जहनी तकलीफ से बच जाती थी। और सच्ची बात तो यह है कि मुझे भी अब काफ़ी सुकून हो गया था, अगरचे इस सब में मैं अपने घर वालों से बिल्कुल ही कट गई थी और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप में मगन हो चुकी थी। मेरा इस भरी दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं था जिससे मैं कोई दिल की बात कर लेती। मैं अपनी बदसूरती पर अक्सर ही अकेले बैठकर घंटों रोया करती थी। किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी, तो कोई मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता था। चलो, ये आसानी हो गई थी कि इस तरह से मैं अकेले बैठकर घंटों अपना रोने का शुगल पूरा कर लिया करती थी। किसी कोने में छुपकर अपनी भड़ास निकाल कर फिर मैं खामोशी से अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा का मामूल जारी रखने लगती। मैंने किसी के भी कहे बगैर अपने घर वालों के सारे काम करना शुरू कर दिए थे। ये हो सकता है कि मेरे इन काम आने की वजह से ही वो मुझसे हमदर्दी के चंद बोल बोल देते, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका था। मेरी ये ख्वाहिश अभी तक ऐसे ही तृष्णा थी, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। आखिर वो मेरा खून थे, कभी न कभी तो उन्हें मेरा एहसास हो ही जाता। कब बचपन और लड़कपन से निकलकर मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे कुछ पता नहीं चला। बस ऐसे ही घर में रहते हुए, लोगों की बातें बर्दाश्त करते हुए, कोनों में बैठकर रोते हुए और अकेले ज़िंदगी गुजारते हुए ज़िंदगी के इतने बरस गुजर चुके थे। बचपन तो शायद मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था, क्योंकि बचपन तो खूब रोशनी और खुशियों से भरा होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बचपन के नाम पर कोई भी याद मुझसे वाबस्ता नहीं थी। वालिदैन चाहते थे कि किसी तरह से मेरी शादी करके मुझसे जान छुड़ाए, हालांकि मुझसे बड़े सिर्फ एक ही भाई की शादी हुई थी, बाकी सारे बहन भाइयों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन दिखने में मैं सबसे बड़ी लगती थी। अपने जिस्म और कद काठ की वजह से सब मुझे मेरे बहन भाइयों में सबसे बड़ा ही समझते थे। और वैसे भी शायद मेरे वालिदैन के जहन में ये था कि मेरी बदसूरती की वजह से लोग शायद हमारे घर से रिश्ता जोड़ने में हिचकिचाएं। बात अजीब थी, लेकिन बहरहाल उनकी मंतक यही थी। बस इसीलिए वो चाहते थे कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ से रुखसत हो जाऊँ और उनके बाकी बच्चों पर मेरी मनहूसियत और बदशगुनी का साया न पड़े। मेरे वालिदैन की तो लाख कोशिश थी, लेकिन होता तो वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। मेरे अब सिर्फ एक बहन और भाई रह गए थे। मेरी शादी की कोशिशों में बाकी सबकी शादियाँ हो चुकी थी। मुझे अब अंदर से दिल से यकीन आ चुका था कि मेरी कभी भी शादी नहीं होगी, क्योंकि कौन भला ऐसी बदसूरत लड़की से शादी करेगा जिससे उसके सगे माँ बाप तक मोहब्बत के दो बोल बोल नहीं सकते और अपना रिश्ता मुझसे बताते हुए शर्म महसूस करते। तो ऐसा दिल किसके पास होगा, कैसा शर्मिंदगी भरा ताल्लुक खुद से जो जोड़ना चाहेगा, जिसके बाद उन्हें सारी ज़िंदगी एक रिश्ते की ज़ाहरी बदसूरती की वजह से परेशानी उठानी पड़े। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, मौसम बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक कहीं पर बादलों के कोई आसार नहीं थे। मैं जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। मैं जल्दी जल्दी बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे रात के खाने के लिए बंदोबस्त करना था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो एकदम से काले स्याह बादल उमड़ आ रहे थे। अभी थोड़ी ही देर पहले तो चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। एकदम से ये बादल और मौसमी तब्दीली बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी। मौसम भी ऐसा नहीं था कि अचानक ही बादल बरस पड़ते। मैंने बेहद हैरान होकर आसमान की जानिब फिर से देखा तो एकदम से अचानक बहुत जोर की बिजली कड़की। मैंने खौफ से चीख मारी, यूं लगा जैसे वो मेरे सर पर आ गई है। मौसम के शदीद तेवर देखते हुए मैं जल्दी से किचन में चली गई। बारिश एकदम जोर से बरसने लगी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे और बिजली की चमक तो यूं थी कि जैसे वो सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती है। बिजली की चमक और उसकी कड़क की आवाज़ और बेहद दहशत ज़्यादा करने वाली थी। मेरा दिल तो सूखे पत्ते की मानन लरज रहा था, लेकिन मैं किसी के पास भी इन हालात में जाकर बैठ नहीं सकती थी। तसल्ली तो दूर की बात, कोई मुझे अपने पास ही नहीं बैठने देता था। मैंने ध्यान बटाने के लिए सब्ज़ी बनाना शुरू कर दी। मैं काम कर रही थी कि मुझे अचानक बहुत तेज़ सर्दी महसूस होने लगी। मौसम की मुनासबत से मैंने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन अचानक बारिश बरसने से ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी मेरी हड्डियों में घुस रही है। मैं भागकर कमरे में जाना चाहती थी ताकि कोई मोटा कंबल अपने इर्द गिर्द लपेट कर सर्दी की शिद्दत को कम कर सकूं, लेकिन जो ही मैं बावर्ची खाने से बड़ी हिम्मत करके पांव बाहर रखने की कोशिश करती, साथ ही एकदम से इतनी जोर से बिजली चमकती कि मैं वापस बावर्ची खाने में घुसने पर मजबूर हो जाती। मैं उधर ही खड़ी हुई सर्दी से मुसलसल कांप रही थी
और सोच रही थी कि कैसे कमरे तक जाऊं। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश कोई कमरे में से निकलकर बाहर सहन में आए और मैं उसके साथ ही कमरे में चली जाऊं। अभी मैं उधर ही खड़ी सोच रही थी कि अचानक बाहर के दरवाजे पर जोरों से दस्तक हुई। भला इस गरजते बरसते दहशतनाक मौसम में किसने बैरूनी दरवाजा खोलने जाना था, और भला इस कदर सख्त और खराब मौसम में कौन घर से निकल पड़ा था, जैसे हमसे मिलने की इतनी जल्दी उसे पड़ी हो, वो खराब मौसम की भी परवाह ना करे और यहाँ आन पहुंचे। मैं भी यही सोच रही थी कि कौन हो सकता है कि दोबारा एक हथौड़े से वक्फे के बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। स्याह बादलों ने पूरे आसमान को खूब अच्छी तरह से घेर रखा था। दिन का वक्त था, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे आधी रात हो चुकी हो। दरवाजे पर वक्फे वक्फे से दस्तक हो रही थी, और इसके बाद कुछ लम्हे बाद दरवाजे पर दस्तक न हुई। मैं सोचने लगी, लगता है जो भी आया था वो वापस जा चुका है। वो भी समझ गया होगा कि इतना खराब मौसम में भला कौन निकलकर बाहर उसके लिए दरवाजा खोलता। अब तकरीबन 10-15 मिनट गुजर चुके थे, दरवाजे पर मजीद दस्तक हुई। मैं अपनी सोचों में गुम वहां खड़ी थी कि एकदम दरवाजे पर बहुत शिद्दत से मुसलसल दोबारा दस्तक होने लगी। इस तरह दस्तकों की आवाज सुनकर मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ी। ये क्या, वो जाने वाला क्या फिर वापस आ गया या कोई दूसरा आ गया? मैं अपने जहन में ही जोड़ तोड़ में मसरूफ थी कि जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई जरूरतमंद मुसीबत का मारा ना हो। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। लगता था कि दरवाजा बजाने वाले के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो मजीद इंतजार करने की हालत में नहीं है, इसीलिए वो मुसलसल अहले खाना की तकलीफ और नाराजगी का एहसास किए बगैर अपने जिस्म पर जम जाने की पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने जा रहा है। बड़ी हिम्मत करके मैं बावर्ची खाने से बाहर निकली। एकदम से बादल शदीद गरजने लगे, लेकिन बाहर दरवाजे पर हुई मुसलसल दस्तक ने मुझे बैरूनी दरवाजे की जानब जाने पर मजबूर कर दिया। मैं दिल कड़ा करके दरवाजे पर पहुंच गई और दरवाजा खोल दिया। मैंने बाहर देखा तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि वो सारे चेहरे मेरे लिए अनजान थे। खैर, मैंने उनसे कुछ भी ना पूछा और उन्होंने भी मुझे कुछ बताने की जहमत नहीं की और फौरन दरवाजा खोलकर अंदर घुसाए। तुम्हारे वालदैन का कमरा कौन सा है? उनके पूछने पर मैंने इशारा अपने वालदैन के कमरे की तरफ कर दिया, जो सहन के बाकी कमरों से हटकर एक तरफ बना हुआ था। उन लोगों ने मेरी कोई बात ना सुनी और सीधा अंदर अम्मा अब्बा के कमरे की जाने बढ़ गए। जैसे वो मेरे वालदैन के कमरे तक पहुंचे तो एकदम से बिजली चली गई। एक तो मौसम की वजह से हर तरफ स्याही पहले ही मौजूद थी, रही सही कसर अब इस बेवक्त की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे अपने वालदैन की तेज आवाजें सुनाई दी। जमीला, 7-8 लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त करो। मैंने किचन से ही हलक के बल जोर लगाकर अपने वालिद को जवाब दिया, जी अब्बा जी, अभी करती हूँ। मैं अंधेरे में ही हाथ इधर उधर मार कर दिया सिलाई टटोलने लगी। क्योंकि बावर्ची खाने का काम हमेशा ही मैं करती थी तो मुझे ज्यादा दिक्कत ना हुई। जल्दी से दिया सिलाई ढूंढ कर मैंने चूल्हा जलाया। चूल्हे की आग से कुछ रोशनी तो हुई, उसकी मदद से फिर मैंने बाकी चीजें ढूंढ कर जल्दी से चाय तैयार कर ली और एक ट्रे चाय के बर्तन लेकर चाय रख कर मैं अंदर अपने अम्मा अब्बा के कमरे में जाने बढ़ने लगी। बारिश अभी तक बहुत ही शदोमत से जारी थी, अलबत्ता बादल गरजने और बिजली कड़कने का सिलसिला रुक गया था। हर तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था। अंदर कमरे में मेरे वालिद साहब ने फोन की बत्ती जला रखी थी। जैसे ही मैं चाय लेकर अंदर दाखिल हुई, मेरे अब्बू ने मुझे फौरन कहा कि लाओ इधर ट्रे, मैं खुद उनको चाय सर्व कर लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने फौरन से मेरे हाथ से चाय की ट्रे ली और मुझे कहा कि जाओ अब तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो मुझे इस कदर जल्दी क्यों कमरे से बाहर भेजना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास सवालों जवाब का तो हक ही नहीं था। सो मैं जल्द अज जल्द वहाँ से निकल कर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने कपड़े बदले और एक मोटा कंबल लेकर उसमें घुस गई। मैंने शुक्र किया कि मेरे जिस्म को थोड़ी हिद्दत मैसर आई। जिस्म में हिद्दत महसूस हुई तो मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ और खुदा जाने कब मेरी आंख लग गई। मैंने उस दिन और उन अजनबी मेहमानों के बारे में इसके बाद बिल्कुल भी ना सोचा। मेरे जहन में कोई अनहोनी बात आई ही नहीं। मेरा ख्याल था कि वो मेरे वालिद साहब के कोई मिलने मिलाने वाले ही लोग होंगे, तो फिर मुझे इस कदर तजस्सुस करने की क्या ज़रूरत है या इसके बारे में कंसुइयाँ लेने की मुझे क्या ज़रूरत है, क्या करना है मुझे? मैं अक्सर ही हमारे घर में जो भी लोग आते थे, मेरा काम सिर्फ उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना होता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने बहन भाई और वालदैन के मिलने मिलाने वालों से नहीं मिला करती थी। मैं सिर्फ चाय वगैरह और खाना बनाने में या फिर अपने कमरे तक ही महदूद होती थी।
इसके कुछ दिन के बाद की बात है, मौसम सुबह से ही अबरा लूट था। वक्फे वक्फे से बादल आसमान पर नजर आ रहे थे, कभी हल्की सी धूप भी निकल आती और फिर सूरज अपने चंद सेकंड की झलक दिखाकर गुम हो जाता। हर सू बादलों का राज होता। सूरज और बादलों की यही आंख में चोली चल रही थी तो चार पांच लोग उस दिन फिर हमारे घर आ गए। उनका रवैया भी वैसा ही अजीब वरीब सा था। मेरे अब्बा ने गैर मामूली तौर पर दफ्तर से छुट्टी कर रखी थी। मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने छुट्टी क्यों की थी, लेकिन मुझे बाद में यही महसूस हुआ कि जैसे अब्बा ने उन मेहमानों की खातिर ही छुट्टी की थी। अब्बा ने मुझे कहा कि जमीला तुम उनके लिए खाना तैयार करो, लेकिन उन मेहमानों ने सख्ती से इनकार कर दिया कि नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ चाय पियेंगे और चले जाएंगे। अब्बा मुसलसल इसरार कर रहे थे कि नहीं, वो लोग खाना खाकर ही जाएंगे, लेकिन उनका इसरार था कि चाय पियेंगे और चले जाएंगे, वो इतनी देर नहीं रुक सकते। फिर वो थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए। उस दिन की तरह गुजरते जा रहे थे दिन, और पता नहीं क्या हुआ था, शायद खाने पीने में कोई मसला हो गया था या वैसे ही मेरी तबीयत सख्त खराब थी। मेरे पेट में रात से बहुत दर्द हो रहा था और उस वजह से पूरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जो से तकरीबन 10-12 दिन बाद की बात है। इतवार का दिन था और सब लोग उस दिन घर पर ही मौजूद थे, लेकिन भला मुझे किसी के घर होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता था। मैं तो अपने मामूल के मुताबिक अपने काम काज में मसरूफ थी। मेरे अब्बू को जब पता चला कि जमीला की तबीयत खराब है तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ ला दी। मेरे अब्बू मुंह में बड़बड़ाए कि आज तो कुछ मेहमानों ने आना था, खाना कौन तैयार करेगा। इसके बाद परेशानी के आलम में मैं खुद से बात करते हुए अब्बा अपने कमरे की तरफ चल दिए। फिर वो बाजार से खाना ले आए और अम्मी से कहने लगे कि जमीला से बोलो तैयार हो जाए। मैं बहुत हैरान थी कि मुझे क्यों कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्या मुझे कहीं लेकर जाना है। मैं हैरानी में मुब्तला थी कि मेरी अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, जमीला तुम वो वाला सूट निकाल लो और पहन लो, और हाँ थोड़ी सी तैयार भी हो जाओ। मैंने अम्मी से कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस खामोशी से मैंने उस वक्त वो जोड़ा निकाल कर पहन लिया। अलबत्ता मैंने तैयार होने का तरद्दुद नहीं किया था। अब्बू के मेहमानों ने शायद असर के बाद आना था, लेकिन अब मगरिब की नमाज पढ़कर भी सब लोग फारिग हो चुके थे, लेकिन दूर दूर तक मेहमानों का कोई नामो निशान नहीं था। अब्बू बार बार उन्हें फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन उनका फ़ोन बंद जा रहा था। अम्मा और अब्बा बेहद परेशान नज़र आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेहमानों के ना आने की वजह से इस कदर परेशानी किस बात की है। हो सकता है वो किसी ज़रूरी काम में उलझ गए हों और कल या परसों या फिर कभी किसी दिन आ जाए। मेरी अम्मा तो गुस्से से भरी नज़रों से वक्फे वक्फे से मेरी तरफ भी देख लेती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। अम्मी और अब्बा जी के चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के आसार बहुत वाजे थे। मेरे अब्बा आशा की नमाज पढ़कर घर आए और बरामदे में पुश्त हाथ बांधे बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। वो बार बार थोड़ी देर के बाद बैरूनी दरवाजे को देख रहे थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से झांककर अपने अब्बा के तासुरात देख रही थी। अब्बा को इधर उधर टहलते हुए कुछ देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बहुत धीमे अंदाज में की गई थी। मुझे यूँ लगा जैसे अब्बा को एक बार तो यकीन ही ना आया हो, लेकिन उसी वक्त दोबारा दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो यूँ लगा कि जैसे मेरे अब्बा के चेहरे पर दुनिया जहाँ के सभी रंग बिखर गए थे। मेरा अब्बा बहुत तेज़ी से बाहर के दरवाजे की जाने पड़े और जल्दी से दरवाज़ा खोला। मुझे ऐसा लगा जैसे ये वही मेहमान थे जिनका सुबह से अब्बा को इंतज़ार था। उन्होंने जल्दी से एक तरफ होकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अब्बा उन मेहमानों से बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। इसके बाद अब्बा उनको लेकर बैठक में चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं अब्बा की हिदायत के मुताबिक उनके लिए चाय के बर्तन लिए अंदर आ गई। अंदर कमरे में जो आवाज़ें आ रही थी उनसे महसूस हो रहा था कि किसी अहम मौजू पर बहस चल रही है। जैसे ही मैं अंदर गई मैंने फ़ौरन से मेरे हाथ से ट्रे ली और अपने करीब जगह बनाई और मुझे वहाँ बैठने का कहा। मैं खामोशी से वहीं पर बैठ गई। बैठक में मेहमान थे या फिर मेरे अम्मा अब्बा, इसके अलावा वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं था। अब्बा उनसे कहने लगे कि नहीं, हमने खाना तैयार कर रखा है, आप खाना तो खाकर ही जाएंगे। मेहमानों में दो खवातीन और तीन मर्द शामिल थे। वो लोग कहने लगे कि नहीं भाई साहब, आप तो जानते हैं हमें पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और हमने जल्दी जाना है, खाना फिर कभी खाएंगे, बस अब जल्दी जल्दी हम ये नेक काम कर लेते हैं। अब्बा ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है। वो लोग चाय पीने लगे तो अम्मा ने उनसे पूछा कि वो इतनी देर से क्यों आए, क्या कोई ज़रूरी काम पड़ गया था। उन्होंने बताया कि नहीं, वो ट्रैफिक में फंस गए थे, रास्ते में किसी अहम शख्सियत ने गुजरना था, इसीलिए प्रोटोकॉल बैरियर लगा हुआ था। इसके बाद वो काफ़ी देर वहाँ रुके रहे और मुश्किल से अभी यहाँ पहुँचे हैं। फिर अब्बा ने उनसे कहा कि अच्छा आप जब तक चाय पिए मैं जल्दी से तब तक मौलवी साहब को बुला लाता हूँ। अरे नहीं, मौलवी साहब की क्या ज़रूरत है, ये हमारे हैं ना भाई साहब,
ये निकाह पढ़ा लेंगे। निकाह का सुनकर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन मेहमानों में जल्दी जल्दी से चाय पी और उसके बाद अब्बा से कहा कि जी बताएं, अब आपकी इजाज़त हो तो हम ये नेक काम शुरू करें। अब्बा ने इस बात में सर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल इजाज़त है। नहीं, एक मिनट के लिए रुके, एक मिनट बस। अम्मा जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। जब वो वापस आई तो उनके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख कामदार दुपट्टा था। मेरी अम्मा ने वो दुपट्टा लाकर मेरे सर पर उड़ा दिया। इसके बाद उनके साथ आए हुए एक आदमी ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मैंने अपनी माँ की हिदायत के मुताबिक उनके कबूल है पूछने का जवाब सर हिलाकर इस्बात में दे दिया। इसके बाद मेरी अम्मा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे याद नहीं कि कब आखिरी बार मेरी माँ ने मुझे गले से लगाया था। मुझे अपनी उस पर यके बाद दिख रहे पानी के चंद कतरे गिरते हुए महसूस हुए। यकीनन वो मेरी माँ की आंखों से बहने वाले आंसू थे। इसके बाद मेरी माँ ने मेरा सर थपककर मुझे खुद से अलग कर दिया। और इसके बाद मेरे अब्बा ने मुझसे कहा कि आओ जमीला, अपने बहन भाइयों से मिल लो, उसके बाद तुम्हारी रुख्सती है। मैं किसी रोबोट की तरह चलती हुई अब्बा के पीछे पीछे बैठक से बाहर निकल आई। वो मेहमान और अम्मा बैठक में ही मौजूद थे। कमरे में आकर मैंने देखा तो वहाँ पहले ही मेरे बहन भाई मौजूद थे। उन्होंने मुझे जल्दी से शादी की मुबारकबाद दी और खुदा हाफिज कह दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस कदर अचानक निकाह से मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही सुन्न होकर रह गया था। इसके बाद मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे मेहमानों के साथ ही रुख्सत कर दिया। मैं गाड़ी में बैठी और गाड़ी अनजान रास्तों पर सफ़र करने लगी। थोड़ी देर तो वो एक बड़ी सड़क पर सफ़र करते रहे, लेकिन फिर गाड़ी ने वीरान रास्तों पर दौड़ना शुरू कर दिया। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी आंखें खुली रहें। मुझे अजीब वसवसे भी आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे वालिदैन ने मुझे कहीं बेच तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तो मेरा निकाह करवा दिया। हाँ, मगर निकाह इस तरह से तो नहीं होता ना, यूं अचानक। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लग गया था। मैं अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी कि कम अज कम मेरे रास्ते तो ये देखती जाऊँ। अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई अनहोनी हो गई तो मैं भाग कर घर तो वापस आ सकूंगी। मेरे अंदर से मुझे कहकहा सुनाई दिया कि घर कौन सा घर जिन्होंने मुझे जल्दी जल्दी यूं अचानक अजनबियों के साथ रुखसत कर दिया। अपने अंदर की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों से चंद कतरे आंसू निकलकर मेरे गाल पर लुढ़क गए। मैं जागते रहना चाहती थी, लेकिन मेरा सर भारी हो रहा था और मेरी आंखें बंद हो रही थी। फिर लाख कोशिश करने के बावजूद भी खुदा जाने कब आंख लग गई। उठो जमीला, घर आ गया है, मुझे कोई झंझोड़ रहा था। मैं झट से आंखें खोली तो देखा कि गाड़ी अब रुक चुकी थी और मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा जा रहा था। मैं हिदायत के मुताबिक गाड़ी से उतर गई। उतरकर देखा तो गाड़ी एक छोटे से घर के आगे खड़ी थी। इन दोनों खवातीन ने मुझे अंदर लाकर एक कमरे में बिठा दिया। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, वहाँ पर सिर्फ एक बिस्तर था और दो कुर्सियाँ पड़ी थी। इसके अलावा उस कमरे में किसी भी किस्म का और कोई सामान मौजूद नहीं था। मुझे उधर कमरे में बैठाकर दो खवातीन खुदा जाने कहाँ गायब हो गई थी। वहाँ पर किसी किस्म का शोर शराबा या किसी के बोलने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे उधर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक कोई मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठा। जो तीन मर्द हमारे घर आए थे, इनमें से एक ये था। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ। इस सारे हंगामे में मुझे तो ये बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया था कि मेरा शोहर कौन सा है और किससे मेरा निकाह किया गया है। मेरी दिमागी हालत ये थी, लेकिन जिस आदमी ने मुझे अपना शोहर बताया था वो अच्छा खासा खूबसूरत मर्द था। मैंने हैरानी और बेयकीनी से दोबारा से उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए मेरी ही जानब देख रहा था। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसने कहा कि क्या नहीं हो सकता, क्या तुम्हें अपना शोहर पसंद नहीं आया? मैंने जल्दी जल्दी घबरा कर उसको वजाहत दी कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम तो बेहद खूबसूरत हो। मैं तो ये सोच रही थी कि तुमने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कैसे कर लिया। वो मुस्कुराने लगा, क्यों, तुम्हें क्या हुआ है जो मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता? मैंने कुछ भी कहे बगैर अपना सर झुका लिया। उसने मेरे सर पर हल्की सी थपकी दी और कहने लगा, देखो, अगर तुम्हारे दिल में किसी भी किस्म का कोई शक या कोई खौफ है तो उसे अपने जहन से और दिल से निकाल दो। मैंने पूरे दिल से तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर कबूल किया है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। फिर अचानक वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर अगली सुबह मैंने देखा कि घर में तो मेरे और उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं। मैं ऐसे खूबसूरत शोहर को, जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को चाहता है और उसे मेरी शक्ल सूरत से कोई मसला भी नहीं था, पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लगा जैसे मैं हवाओं में उड़ रही थी। मैंने उससे पूछा कि बाकी घर वाले कहाँ पर हैं। उसने कहा, बाकी के घर वाले कैसे? घर वाले तो मैं और तुम हैं,
मुझे एकदम से सख्त खौफ सा महसूस हुआ। मुझे उसका लहजा बिल्कुल ठंडा ठार लगा। मैंने कहा, क्या मतलब? तुम्हारे अम्मी अब्बू बहन भाई कोई भी घर में नहीं है? उसने कहा, देखो तुम्हारी और मेरी शादी हुई और हम, हाँ रवाज है हमारे यहाँ कि दूल्हा और दुल्हन शुरू ही से अलग घर में रहते हैं। हमारे यहाँ ये रवाज नहीं है कि दूल्हा दुल्हन शादी के बाद भी अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ रहे। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा कर मुतमइन हो गई। मैंने कहा, फिर भी वो लोग हमसे मिलने तो आएंगे ना? उसने कहा, नहीं कोई भी मिलने नहीं आएगा। वो आना चाहते थे लेकिन फिलहाल अपने और अपनी प्यारी सी बीवी के दरमियान में किसी भी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं कर सकता। मैंने उन्हें खुद ही मना कर दिया। मैं खामोश हो गई लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा मेरे घर वाले तो ज़रूर आएंगे। मैंने उससे कहा कि अच्छा मेरे घर वाले तो आएंगे ना? उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो होगा ना, कुछ बताया होगा? उसने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, तुम्हें तो सबकी फिक्र है एक मेरे सिवा। तुम मुझ पर तवज्जो दो, मैंने तुम्हारे घर वालों को भी मना कर दिया है, और वैसे भी इतनी दूर से कैसे आ सकते थे। मैं खामोश हो गई और दिल में सोचा कि इसको क्या बताऊं कि मेरे घर वालों ने तो दरअसल मुझसे जान छुड़ाई है। फिर इसके बाद हमारी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरने लगी। तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद मेरे शौहर का तबादला किसी और शहर में हो गया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे अपने साथ नहीं रख सकता, इसीलिए मैं यहीं पर रहूँगी। महीने में वो अक्सर 4-5 दिन के लिए घर आ जाया करता था। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, मेरी बड़ी परवाह करता था। हमारी शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया था और मेरे दिल में एक अजीब ही ख्वाहिश पैदा हुई। मेरा दिल किया कि मेरा शौहर जब मेरी शक्ल देखकर मेरी इतनी तारीफ़ें करता है तो हो सकता है कि अब अपने शौहर की मोहब्बत पाकर, ज़िंदगी का सुकून पाकर खूबसूरत हो गई होंगी। तो मैं शीशा देखना चाहती थी। मैंने आपको बताया नहीं लेकिन हैरान कन बात यह थी कि मेरे शौहर ने पूरे घर से सारे शीशे गायब कर दिए थे। हमारे घर में कोई शीशा नहीं था। उसने ये कहा था कि वो घर में शीशा नहीं रखना चाहता था। मैं शीशा देखकर किसी किस्म के एहसास जुर्म में या एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाऊँ। मैंने उसको कहा, मैं खुद को शीशे में देखना चाहती हूँ। उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं तुम शीशा ना देखो। मुझे कभी कभार उसकी बातों से खौफ महसूस होता था और कभी कभी मुझे ऐसे लगता था अभी तो उधर कमरे में बैठा होता था फिर अचानक से गायब हो जाता था। मैंने कई बार उससे पूछा लेकिन उसने कहा, अभी तुम्हारे सामने ही तो बाहर गया हूँ। फिर मुझे भी लगा था कि शायद ऐसा ही है, इसीलिए मैंने ज़्यादा बहस नहीं की और खामोश हो गई। बहरहाल मैंने उससे कहा कि अब इस दफ़ा जब तुम घर आओ तो मुझे शीशा ला कर देना। वो मुझसे झगड़ने लगा कि तुम खुद को देखकर क्या करना चाहती हो। उसका ये रवैया देखकर मैं परेशान हो गई कि आज तक तो इसने मुझसे इस तरह के सख्त लहजे में बात नहीं की, तो इससे क्या हो गया है? एक शीशा ही तो मांग रही हूँ, इसका क्या जाता है, ये तो खूबसूरत है। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही मेरे पास आया और कहने लगा, अच्छा नाराज मत हो, बस मैं नहीं चाहता कि तुम शीशा देखो और परेशान हो जाओ, तुम मेरी आंखों में खुद को देख लो वक्ती तौर पर। तो उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक खटका सा लग गया था कि इसमें सिर्फ मेरी बदसूरती का हाथ नहीं है, यकीनन कोई और बात भी है। मैंने दिल ही दिल में ठान ली थी कि इसके जाने के बाद मैं अपनी हमसाई से शीशा ज़रूर मंगवाऊंगी। अगले दिन उसने वापस चले जाना था। अगले दिन जब वो वापस चला गया तो मैं जल्दी से चादर लेकर बाहर निकल आई। वैसे तो मैं आमतौर पर हमसायों के घर कभी नहीं गई थी लेकिन अब मैं अपनी ज़रूरत के तहत साथ वालों के घर गई। मैंने अपने हमसाई को कहा कि गली में कोई भी फेरी वाला आया या तुम्हारा बाजार चक्कर लगा तो मुझे लाजमी तौर पर एक शीशा ला देना। उसने कहा, ठीक है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसी दिन मुझे शीशा लाकर उसने दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं दुपट्टे के पल्लू में शीशा छुपाए उसे अंदर ले आई और जल्दी से ट्रंक में छुपा दिया। मैं चाहती थी कि मैं रात को शीशे में अपना चेहरा देखूंगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि मुझे मेरे शौहर ने सख्ती से मना किया था कि मैं शीशा नहीं देखूंगी और ये मैं काम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रही थी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सहन में मेरा शौहर खड़ा था। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गई, मेरे मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने मुझे बताया कि वो रास्ते में ही था कि उसे मालकों का फ़ोन आ गया कि उनकी कोई ज़ाती मसरूफियत की वजह से 1 महीने के लिए कारखाना बंद किया जा रहा है। तो क्या मतलब, तुम 1 महीना रहोगी यहाँ? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, हाँ मैं 1 माह घर ही रहूँगा, ये तो खुशी की बात है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं दिल में सोच रही थी कि अब मैं आईना कैसे देखूँगी। फिर मैंने सोचा, जब ये रात को सो जाएगा तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी। रात को मेरा शौहर सो गया तो मैं चुपके से उठी और उठकर मैंने जल्दी से ट्रंक में आईना निकाला और अपना चेहरा उसमें देखा, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। मैं तो समझ रही थी कि मैं जो इतनी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अपने
शोहर की मोहब्बत पाकर मुतमइन हूँ, तो हो सकता है इससे मेरे चेहरे की खूबसूरती पर भी फर्क पड़ा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं वैसे की वैसी ही बदसूरत थी। फिर मैंने जल्दी से उसे ट्रंक में रखा और अपने शोहर की जानब देखा। वो बेहद हसीनो जमील था। मैं हैरान थी कि देखो ये इस कदर हसीनो जमील नौजवान कैसे मुझे अपनी बीवी के रूप में कबूल किए हुए है। फिर सुबह हो गई और अगले 2 दिन तक मेरा शोहर घर ही रहा। एक दिन वो कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकला। मैं किचन में मसरूफ थी, जब वो घर आया तो उसने आवाज़ दी, किधर हो जमीला, मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ। मैंने किचन से निकल कर देखा तो मेरे देखते ही देखते मेरा शोहर जो इंतहाई खूबसूरत था, एक अजीब गरी और खौफनाक मखलूक में तब्दील हो गया। मैं डर कर चीखें मारने लगी और मैं भागते हुए अंदर कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैं बिस्तर के नीचे छुप गई। उसकी आवाज़ भी तब्दील हो चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई बदसूरत और खौफनाक चकल अख्तियार कर चुका था और उसके होंठों के किनारों पर ऐसा लगता था जैसे लहू लगा हुआ हो। वो मेरे पीछे पीछे अंदर कमरे में आ गया, फिर मुझसे कहने लगा, जमीला क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। चंद लम्हे वो वहाँ पर नीचे ज़मीन पर बैठा रहा और फिर उसने मुझसे कहा, मैंने इसीलिए तुम्हें आईना देखने से मना किया था, लेकिन अब तुमने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अगर आईना देख ही लिया है तो अब इसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। मैं बोली, अच्छा यह है तुम्हारा असल रूप, तुम कौन हो? उसने मुझे कहा, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बड़ी हिम्मत करके मैं बाहर निकली तो उसने मुझे प्लंग पर बिठा दिया, खुद एक कुर्सी खींच कर मेरे सामने बैठ गया। मैंने खौफ से आंखें जोर से बंद कर रखी थी। मैं उसकी तरफ देखना नहीं चाहती थी, बल्कि उससे देखा ही नहीं जा रहा था। उसने कहा, दरअसल जब वो एक छोटा सा बच्चा था तो वो खेलते खेलते जहन में गिर गया। उसको उसके हाथ पर चोट लगी थी और उससे खून निकलने लगा था। उसने अपना हाथ इसी तरह से पकड़कर मुंह में दबा लिया और खून चूसने लगा। उसने उसे बताया कि इस तरह से खून से उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। वो अभी वहीं पर गिरा पड़ा था कि अचानक कुछ ना नजर आने वाले हाथों ने उसे उठाया और अपने घर ले आए। वो दरअसल एक बूढ़ी शैतान जादूगरनी थी, जिसे छोटा बच्चा जिसने खुद अपनी मर्जी से खून चूसा हो वो चाहिए था। अगर वो बच्चे को पास रखकर पालती और उसके ज़रिए से उस पर कुछ अमल करती और उसे भी आदमखोर बना देती तो फिर उससे उसकी बहुत ज़्यादा शैतानी ताकतों में इजाफा हो सकता था और वो मजीद कई 100 साल तक जिंदा रह सकती थी। सो मैं उसके काबू में आ गया। जब उसने मुझे बताया था कि जब मैं वहाँ पर गिरा अपना खून चूस रहा था तो उसकी नज़र उस जादूगरनी की अच्छी किस्मत की मुझ पर पड़ गई और वो फौरन उठाकर मुझे अपने घर ले आई। मैं नहीं जानता था कि मेरे असल वालिदैन कहाँ हैं और मेरा घर कहाँ पर है। इसके बाद मैं हमेशा उसके साथ रहा। वो मुझ पर अजीब व गरीब किस्म के अमल करती रही और अक्सर ही वो मेरे जिस्म के किसी हिस्से पर कट लगा देती और कभी किसी हिस्से पर कट लगा देती और मुझे वो उस जगह से खून चाटने पर मजबूर करती और फिर वो खुद भी मेरा खून पीती थी। वो मुझे अजीब व गरीब चीज़ें खाने को देती। उसके अमल के दौरान ही मैं एक आदमखोर बन गया था। अब मैं उसके लिए तकरीबन नाकारा हो चुका था क्योंकि मैं जवान और भरपूर मर्द था। अगरचे उसके पास बहुत ज़्यादा ताकतें आज भी थीं, लेकिन फिर अब मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा शैतानी ताकतें थीं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मुझे एहसास ज़रूर था कि मैं इस जगह से ताल्लुक नहीं रखता, मैं एक इंसान हूँ। उस जादूगरनी को अब मुझसे बिल्कुल भी ख़तरा नहीं था। मैं कहीं भाग कर चला जाऊँगा या मुझे कुछ भी अपने वालिदैन या अपनी असली रूप के बारे में याद है तो मुझे लेकर इंसानी आबादी की तरफ चली गई। उसे शायद वहाँ से कुछ काम था या उधर से गुजर कर आगे कहीं जाना था, लेकिन जब मैंने इंसान देखे तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। इससे पहले कि वो मुझे खुद ही गोश्त काट कर देती थी, क्योंकि वो आदमखोर जादूगरनी थी और उसने मुझे भी आदमखोर बना डाला था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैंने इंसानों को कभी देखा ही नहीं था। उस दिन मैंने जब इंसानों को देखा तो घर वापस आने पर मैंने शैतान जादूगरनी से कहा कि मुझे मेरे इलाके में छोड़ा, मैं जानता हूँ तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ कैद कर रखा। वो नहीं मानी, लेकिन जब मेरी जिद शिद्दत इख्तियार कर गई तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है, इंसानी बस्ती में जाने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम किसी इंसानी लड़की से शादी कर लो, लेकिन वो लड़की शादी के 10 साल तक आईना न देखे, फिर तुम वापस अपनी असली हालत में तब्दील हो सकते हो। और रही बात तुम्हारी आदमखोरी की, तो उसे तुम्हें खुद की कोशिश करके जान छुड़ानी पड़ेगी, इसमें तुम्हारी बिल्कुल भी मैं कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने उसके बाद इंसानी आबादियों में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब भला कौन सी औरत होगी जो शीशा ना देखती होगी। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये शैतानी जादूगरनी ने जानबूझकर शायद मेरे लिए शर्त रखी है। मैं इंसानी आबादी में मारा मारा फिरता रहा, सोचता रहा कि क्या करूं। उसी दौरान जब मैं तुम्हारे मोहल्ले में गया तो मुझे
वहां पर तुम्हारे बारे में पता चला। कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि शायद ही इस लड़की ने कभी आईना देखा हो। मैंने उन लड़कों के साथ बैठकर बातों बातों में तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की। तुम्हें याद होगा जिस दिन मौसम अचानक बहुत ख़राब हो गया था, कुछ अनजान लोग पहली बार तुम्हारे घर आए थे। हम लोगों ने तुम्हारे घर 3 चक्कर लगाए और 3रे चक्कर पर तुम्हें ब्याह कर लिया, क्योंकि तुम्हारे वालदैन को भी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो तुम मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब थी। मैं उनकी बातें सुनते हुए बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और रो भी रही थी। अब मैं समझी थी कि दरअसल ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं था, ये तो खुद इस कदर गरी और बदसूरत था, इसीलिए इसने मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल कर लिया। वो खामोश हो गया। उसने मुझसे पूछा कि आप तो मेरे साथ रहना चाहती हो या मुझसे आज़ाद होना चाहती हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब उसके पूछने पर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं उस आदम कौर के साथ कैसे रह सकती थी? इसका क्या किया था? ये किसी दिन मुझे भी हड़प कर जाता? मैं जो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे पिछले सारे एहसास कमतरी और महरूमियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब फिर से उस चौराहे पर आ खड़ी हुई थी। अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। भला मैं कहाँ जाती? मेरे वालदैन ने कितने सालों से मेरा बिल्कुल भी कोई पता नहीं किया था। अब उसके पास रहने के सिवा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अगर मैं यहाँ से निकल कर जाऊँगी भी तो मेरे पास तो ना तालीम है ना कोई हुनर है। मैं किस उम्मीद पर उससे छुटकारा हासिल करके निकल जाऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं खामोश बैठी रोती रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने मुंह से कहना ही नहीं चाहती थी कि हाँ मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ। मैं बस खामोश नीचे फर्श पर देखती हुई आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से मुझसे बेचैनी से पूछा, जमीला बताओ क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? मैंने अपनी मजबूरी का उससे जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया और उसे कहा कि हाँ मैं यहीं रहूँगी। वो एकदम से कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूमने लगा। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी कि उसे एकदम से क्या हो गया। उसे तो डरना चाहिए कि मैं किसी भी दिन उसे छोड़कर भाग सकती हूँ। और क्या इसमें इतनी अकल नहीं है कि उसे महसूस होना चाहिए कि मैंने किस मजबूरी के तहत उसके साथ रहने के लिए हाँ की है? मैं हैरानी से उसे देखती रही कि वो वापस कुर्सी पर बैठा और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, जमीला मेरी सज़ा ख़त्म होने ही वाली है। मैं खामोशी से हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, शैतान जादूगरनी ने यह आखिरी शर्त रखी थी, अगर तुम उससे धोखे से शादी भी कर लो, जिस दिन तुम्हारा असल रूप खुलकर सामने आ जाए तो वो खुद अपनी रजा से तुम्हारे दरख्वास्त करे बगैर खुद ही तुमसे तुम्हारे साथ रहने पर रजामंदी का इजहार कर दे, तो फिर तुम्हारी सज़ा सिर्फ 3 साल रह जाएगी। इसके बाद तुम वापस इंसानी शक्ल में चले जाओगे और तुम आदम खोर भी नहीं रहोगे। जमीला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। बस ये अरसा बेशक लंबा महसूस होगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम मेरा साथ न छोड़ना। देखना मैं तुम्हें दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ दे दूँगा। मैं बेयकीनी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे दिल से उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। सारा दिन मैं बहुत परेशान रही। रात को जब बिस्तर पर लेटी तो मैंने सोचा कि बस मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। फिर यही मसला था कि मैं भाग कर जाऊँगी कहाँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे अपने शौहर की सारी अच्छाइयाँ और उसका मेरे साथ अच्छा बर्ताव याद आने लगा कि मैं सारी रात सो न सकी और उसके बारे में सोचती रही। फिर मैंने सोचा, जहाँ पर इतना अरसा बीत गया तो ये 3 साल भी गुजर ही जाएंगे। देख लेते हैं, अगर ये इंसानी शक्ल में वापस आ गया तो ठीक, वरना फिर यहाँ से निकलने का रास्ता तो हमेशा ही है। और फिर इतने अरसे में मैं कोई अपने लिए अच्छा सा बंदोबस्त भी कर लूँगी अगर मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ा। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। अब ये था कि मेरा शौहर जो ही घर से बाहर निकलता तो इंसानी रूप में होता, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता फिर से आदमखोर के रूप में होता। उसके मुताबिक ये भी शैतान जादूगरनी की शर्त थी कि भला कौन सी औरत मुसलसल इस कदर खौफनाक रूप देखकर उसके साथ रहने पर अपने दिल को आमादा कर सकती है। लेकिन खैर, वक्त गुजरता ही गया। पहले 2 साल तक मैं उंगलियों पर गिन गिन कर दिन गुजारती रही कि आज इतना वक्त गुजर गया और आज इतना। इसके बाद मैंने सोचा, वक्त ने तो गुजर ही जाना है, इस तरह मैं ज़्यादा अजियत में मुबतला रहूँगी, तो मैंने गिनती करना ही छोड़ दी। उस दिन मामूल के मुताबिक मेरा शौहर घर से बाहर निकला। जब वापस आया तो जहन में चारपाई डालकर सो गया। मैं अंदर कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैं किसी काम से जहन में निकली तो मुझे लगा जैसे वहाँ पर आदमखोर शौहर नहीं कोई और सोया हुआ है। मैं अब हर मुमकिन कोशिश कर रही थी अपने शौहर की तरफ कम से कम देखूँ। मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई तब्दीली आई है। मैं वापस मुड़ी और उसकी चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। मेरी खुशी की तो कोई इंतहा न रही। तब मैंने देखा कि वो अपने उसी इंसानी रूप में मौजूद था जिस शक्ल सूरत में वो पहली बार मेरे सामने आया था।
गौर से खड़ी देखती रही, वो गहरी नींद सो रहा था। फिर मैंने झंझोड़ कर उसे उठा डाला। क्या हुआ जमीला, सब खैरियत है? मैंने कहा, सब खैरियत है। उसने कहा, फिर क्या हुआ, तुमने मुझे इस तरह क्यों जगाया? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आई। आज से कई साल पहले आईना मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया था, और उसके बाद फिर हमारे घर कभी कोई आईना नहीं आया। मैं भागती हुई अपनी हमसाई के पास गई और उसे आईना लेकर वापस अपने घर आई और अपने शौहर के चेहरे के सामने कर दिया। और उसने जैसे ही अपनी शक्ल सूरत देखी तो वो भी हैरान हो गया और फिर बेहद खुश हुआ। आखिर मुश्किल वक्त कट गया था और मुझे मेरी तमाम तर तकलीफ़ों की जजा मिल गई थी। आखिरकार उस जादूगरनी से मेरे शौहर की जान छूट चुकी थी। उसने मुझे साथ बिठाया, आईना उठाकर सामने किया। आईने में हम दोनों नजर आ रहे थे। उसने कहा, ये जमीला है, मेरी बेहद हसीन और अच्छी बीवी, और ये उसका शौहर, बहुत अच्छा शौहर। मैं झेप कर मुस्कुरा दी।